हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूराइज पोर्टल पर एक अपडेट आ रही है। आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगी कि किस स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रही है, क्या करना चाहिए इस अपडेट में। आप सभी लोगों को पूरी जो है इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप सभी लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए। तो भैया देखिए, मैं पहले ही आप सभी के सामने यूराइज पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ, yuraiz.up.gov.in। ठीक है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप सभी के सामने कुछ इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो भैया मोबाइल फोन में आप लोग डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लीजिए, जिससे आप लोग की मोबाइल फोन की भी इंटरफेस सेम इसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो भैया इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप लोग ओपन कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए लॉग इन का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है, यानी कि स्टूडेंट लॉग इन पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप सभी लोग इस पर क्लिक करोगे, आप सभी के सामने स्टूडेंट लॉगिन की पोर्टल ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आप लोग के अपनी यूराइज आईडी और पासवर्ड डाल देनी है। अगर आप यूराइज आईडी भूल गए हैं तो भैया आपके क्लास में जो स्टूडेंट है, जो आपके आगे पीछे एनरोलमेंट नंबर में है, उनसे जो है आप लोग पता करके उसी अकॉर्डिंग जो है आगे पीछे कर लीजिएगा यूराइज आईडी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आपके कॉलेज में जो है आपका यूराइज आईडी रहता है, आप लोग अपने योचोडी सर से बात करके उनसे भी अपनी यूराइज आईडी ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड डाल देनी है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप लोग अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। ठीक है, तो भैया यहाँ पर यूराइज आईडी डाल देनी है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में आप लोग को लॉग इन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप सभी लोग अपना यूराइज आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ध्यान दीजिए भैया, ये जो अपडेट आ रही है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार 2021 में एडमिशन लिए या फिर लेटरल एंट्री से लिए हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स इस बार 2021 में एडमिशन लिए हैं उन्हीं के लिए जो है ये अपडेट आ रही है। अपडेट क्या है कि जैसे ही आप लोग वहां से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, अपनी यूराइज आईडी और पासवर्ड को डाल करके, तो आप सभी के सामने लॉगिन पेज इस तरीके से ओपन होगा। फिर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, ठीक है, यानी कि एक मैसेज आएगा, उसमें आप लोग के एनरोलमेंट नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आप लोग की एनरोलमेंट नंबर भैया आपके यूराइज पोर्टल पर अपडेट नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स को अपडेट कर देना है। फिलहाल हमने जिस स्टूडेंट्स का भैया यूराइज आईडी और पासवर्ड मिला है उन्होंने जो है पहले ही से अपडेट कर लिए हैं, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को भैया लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन भैया आप सभी लोग जैसे इस पोर्टल पर लॉगिन करोगे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, वहां पर जो है आप लोग को अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। ध्यान से अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कीजिएगा, फिर आप लोग को अपडेट कर देना है। तो भैया यही अपडेट आ रही है आप लोग के यूराइज पोर्टल पर। बाकी दोस्तों ये अपडेट सिर्फ लेटरल एंट्री जो प्रवेश लिए हैं इस बार और जो स्टूडेंट्स प्रवेश लिए हैं फर्स्ट ईयर में उन्हीं के लिए, ठीक है, और जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है पहले ही उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग अपडेट नहीं किए हैं वो सभी लोग अपडेट कर लीजिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आप लोग का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उस टाइम आप लोग की जी कप यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की रोल नंबर से हुआ था। ठीक है, तो आप लोग की भैया एनरोलमेंट नंबर आपको पता होगा कि कुछ लेट में आता है, तो इसलिए आप लोग का उससे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो अब जो है आप लोग अपनी एनरोलमेंट नंबर इसमें अपडेट कर लीजिए ताकि आगे कोई भी आपके कॉलेज में काम हो, ठीक है, तो आपकी जो है यहाँ से डाटा वगैरह ली जा सके। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।